अविनाश जी क्या कर रहे हैं? वही पूरे ठीक है, ले लिया है नल जल का, वही लिया है टेंडर सभी वार्ड से मिल के, खाली वही उन्हें चार पांच को वार्ड छोड़ के बाकी इन्हें सात को वार्ड यही काम करवा रहा था। एक वार्ड का स्थिति ऐसा ही तो जमींदाता गद्दारी किया है 10 नंबर वार्ड में, इसका भी पूरे के पूरे पैसा 12 के 12 दे दिए हैं। पूरे मीनार तक तैयारी हुआ है, खाली प्लास्टर और टावर अब नहीं लगाने दे रहा है जमींदाता। NOC लेकर वार्ड मेंबर से साहब जी है लोग बाबू साहब है जा करके जबरदस्ती छीन लिया। हम उसको माना किए थे कि हमारा भी एगो फोटो कॉपी ला के दे दोगे आ न तो ले जाके ऑफिस में हमारे सचिव भी जमा कर दो, घर ही रखे रह गया डेरा ढमका के उसको से NOC जमीन वाला जो था वो दे दिया। अभी जमींदाता कह रहा है कि हमको बिना ऑपरे। अच्छा आप लोग ये बताइए कि चालू कर दिया तो हमको ये बताइए कि आप जो देते हैं तो अधिकारी लोग क्या लेता है, कितना पैसा लेता है? पदाधिकारी का बंधा हुआ है 5%। किनका? सचिव को। सचिव का 5%। हाँ, 5 का उस समझिए कि 10, 5 उन्हें बाढ़ से ले लेता है, 5 हमसे हम लोग से भी आप लोग से ले लेता है, तो ये हो गया। फिर वीडियो 3%। वीडियो साहब 3% से ऊपर एकदम क्लियर है, क्लियर इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुलेआम लेते हैं। आवास में उसी 8% वीडियो आवास इंदिरा आवास 8% 10-5% तो वो कैसे मिलेगा? वो तो पैसा आता है सीधे लाभार्थी के अकाउंट में, लाभार्थी के अकाउंट पर तो वहीं खाते से हो जाता है। जिस दिन अगर पहला किस्त तो 10,000 दे दीजिए, हाँ 3 किस्त में मिलता है, हाँ 40-40 करके मिलता है, तो वैसे 10-10 करके दे दीजिए, तब फिर अगर क्या किस्त मिलेगा आपका, हमको ज़रूरत है, हमारा घर नहीं तो हम तो दे करेंगे लोग में क्या करेगा पैसों में आ जाए। तो आप मुखिया हैं तो हमको तो ये समझ में नहीं आता कि आप मुखिया पंचायत के मुखिया आप हैं, सेनापति आपको कह सकते हैं, इसका कमांड आप कर रहे हैं, फिर अविनाश जी सारा खेल कर रहे हैं, BDO साहब खेल कर रहे हैं, सचिव सेल कर रहा है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप रोक क्यों नहीं लगाए? रोक तो लगाए सर, दो बार किए तो कोई सुनवाई नहीं है। हम तो DDC अभी तक पंचायत सरकार भवन के लिए रख रखाव का पैसा आया था 5 लाख, पैसा के तक अभी तक मालूम नहीं चल रहा है कहाँ पैसा रुका हुआ है। खाता भी हम लोग को खुलवाया गया, खोलिए तो जाएगा। 5 लाख रुपया उसका मरम्मती या रख रखाव के लिए आया था, तो फिर आदेश आया कि नहीं ये अलग से फिर 14वीं या 5वीं से पैसा काट करके पंचायत सरकार भवन के अथी किया जाए। हम कहिए नली गली बनाए गांव में लोग पंचायत में काम कराए कि हम पंचायत सरकार भवन के देख रख करें। 5 लाख रुपया सारा पंचायत 20 पंचायत के मिल गया, 20 पंचायत के आया था पैसा 5-5 लाख रुपया, जिसमें से 5 पंचायत हम लोग रुकुमपुर, एगो ने रुकुमपुरा है अथी बख्तियारपुर के साइड, और एगो बेलधना, और 5 पंचायत के पैसा नहीं अभी तक नहीं मिल पाया है 5 लाख, और बाकी सारा 13 पंचायत के मिल गया 15 गो के पंचायत सरकार भवन के लिए मिला था। अच्छा किसमें जल मीनार नहीं बना हुआ है? जल नल में कौन कौन सा बचा हुआ है? पानी टंकी नहीं बना है? पानी टंकी नहीं बना है 5, 4, 6, 7, 13, 15 इस सब में नहीं बना है? नहीं बना है। और इस सब का पैसा पेमेंट हो चुका है? पेमेंट एकदम मीनार तक के पैसा, मीनार तक का पेमेंट हुआ हुआ है, पाइप बिछाने तक का हुआ है, पूरा टोटली मीनार तक के पैसा दिया हुआ है। तब 6 नंबर का आ 4 नंबर 6 या 5 का मीनार का पैसा नहीं दिया, वो लोग के खाली नल जल चालू करने के लिए दिया गया है 50% पैसा। ये सारा काम अविनाश जी देख रहे हैं? हाँ ना, उन्हें ऊपर सब बट ना एनए वाला जितना भी था ना ये सब में इसका हाथ है, इन्हें तो पूरा कंप्लीट हो गया 7 बार मेरा कंप्लीट। PhD तो काम नहीं किया है ना? PhD नहीं, हर घर नले जल है, मतलब अधिकारी भी छोड़ नहीं रहे, ले ही रहे पैसा। हाँ ले ही रहे, कोई अधिकारी नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, CEO साहब भी शामिल है? हाँ ना, CEO के तो इसमें कोई हाथ नहीं। तो किनका किनका है? खाली BDO सचिव। BDO सचिव तो सचिव किसको कहते हैं? पंचायत सचिव को ना, पंचायत सचिव को। हाँ आज जेई 4% जेई 4% 4 से 5 हाँ, मतलब जितना में बैठ जाए बात, जैसा अथी अपना बनाते हैं एस्टीमेट बनाते हैं उसके अनुसार उनका है। तो पहले लेते हैं कि निकलने के बाद पैसा लेते हैं? निकलने के बाद पैसा ले लेते हैं। तो ये पंचायत अभी तक कितना लिए हैं सब लोग? ये पंचायत से अभी तक कितना लिए हैं सब लोग? अब जोड़ लीजिए ना सब जाके करीब करीब
8 से नीचे मैं किसी वार्ड को नहीं दिया, 8 से ऊपर सभी वार्ड को दिया हुआ है, 8 लाख से ऊपर। सब में उसी में अपना परसेंटेज लिए है, सब वार्ड से। तो पैसा कौन पहुंचाता है उनको? वार्ड सदस्य तो डायरेक्ट लेते हैं सर, डायरेक्ट हट के या कोई उनका आदमी होगा लगाया हुआ, अपने थोड़े आएंगे, सचिव चाहे बीडीओ है तो वो अपने आएंगे, हम मुख्य हैं तो हम आपसे लेंगे, हमारे से लगा ही करके। समझ रहे हैं बात को। तो हमको तो सर एकदम डुबा दिया, तब मनोबल ऊँचा, हम 5 लाख रुपया कमा लेते ना तो कुछ, एक तो भी गरीब घर के आए तो हमारा जत्था है ना, हम तो बने थे बाबू साहब के लोग के अथी हैसियत पर कि चलो ये लोग हेल्प करेगा कुछ कमाया दे दे, वरना देख लिए हम इससे सारा पैसा लोग लूट के खा गए। कितना कम खाए होंगे सब? अब कितना करोड़ों से कम काम किए हैं, 2 करोड़ से कम काम थोड़े किए हैं, ऊपर वही जोड़ लीजिए, हमको अगर इतनों परसेंट जोड़ के भी देता तो हम अभी मंडा माल हो जाते, घर के चल के स्थिति देख लीजिए, दूसरा के हम आवास दिला रहे हैं, हम अपने खुद के 5 भाई भी एक भी आवास में अभी तक नाम तक नहीं आया है, 5 बेरा दिए हैं 5 आम सभा करके, 4 भाई के नाम, 4 में से 1 के भी नाम अभी तक नहीं आ पाया है। हम आपके यहाँ एक बार और आए थे ना, एक बार तो ये लगे एक भी न्यूज वाले आए थे तो मछली उछली जो है बनाए हुए थे, 5-6 से थे, खूब खाए, वाह, डूबे तक रहे, घर 2-3 बजे से बैठल बैठल लोग 5:30 में गए, जैसे मछली था मनमाना, नदी में जाल पड़ा था 5 किलो मछली, जैसे ही जा ही रहे थे लेके अबे किए जो उन लोग पहुँचे तो कहे क्या मुखिया जी मछली खाए के, हम कहे तो हम बैठे भी है मछली खाए के, कौन भारी बात है 1 घंटा बनाने में लगेगा, तो वो लोग मछली उछली खा के गए, और बोले कि हम कल वाला न्यूज में दे देंगे एकदम पक्का, आप दिए तो मगर कहाँ कोई कार कहाँ कोई सुनवाई हो रहा है, ये तो 1 या 2 नंबर के सबसे ज़्यादा तो 19 में इसको। चलिए चलिए हम अभी आपका काम करके जाएंगे और आप सुनवाई देखिएगा क्या क्या होगा, एकदम भैया कीजिए एकदम, हमारा प्रयास रहेगा, हम चौथा स्तंभ है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा दें, अधिकारियों तक पहुँचा दें, और कार्रवाई तो कार्रवाई करना तो उनका काम है, मेरा काम है पहुँचाना और सर को जवाब देना कि सर इस पर क्या कर सकते हैं, आगे कार्रवाई उनको करना है तो हम एकदम उस पर करवाएंगे। पद दे दिए मुखिया के, आ मुखिया के साथ आप कोई कर्मचारी चाहे कोई अथी तक हम दाखिल खारिज के लिए 2 बेरा ऑनलाइन करवाए, कर्मचारी या सीओ तक नहीं सुन रहा है, यही सुन सोच लीजिए 2-2 बार, चलिए कागज भी दाखिल खारिज वाला हम दिखा सकते हैं। आप साइन क्यों कर चेक क्यों देते हैं, चेक क्यों लेते हैं, सुने आप लोग चेक तक ले लिए हैं वार्ड सदस्य लोग से? चेक तक कह लिए, चेक दिए काट काट के, सबको चेक काट के दिए, अब पंचायत में पैसा आया हुआ है तो देंगे ना, काम करना है उसको, और वहाँ से सचिव जेई बना करके एस्टीमेट, मतलब आप नाम के मुखिया हैं, सारा कमांड मुखिया बन के अविनाश जी देख रहे हैं, यही ना? हाँ। यही कहना है आपका ना? हाँ। और इसमें आपके उच्च अधिकारी भी की भी? हाँ, मेन पदाधिकारी लोग कौन कौन? वीडियो, सचिव और जेई, ये तीनों लोग शामिल है। हाँ, इन्हीं का हम तो बोलते हैं तो हमारा बात नहीं कुछ कोई बात पढ़ते हैं सुनते हैं, हम कहते हैं कुछ करने के लिए हमसे पहले जाते हैं, हम कहते हैं अभी छोड़ दीजिए चेक का, चेक का है अगल का काम देखिएगा तब ना चेक काटिएगा जी, ऐसे काट दीजिए आप चेक, तो हम पर दबदबी आ रहा है, हम पर दबदबी नहीं है, हम जा रहे हैं पंचायत में देख रहे हैं, हर वार्ड में जाकर देख रहे हैं कि कोई काम ही नहीं कर रहा, खाली पैसा दे चल जाइए, कोई काम नहीं हुआ, हम तो 4, 5, 6, 3 बार घूम लिए कोई काम नहीं हुआ, खाली पैसा देते चल जाइए, जवाब आप ही को देना है। 6, 13, 15 तीन गो में नली गली का पैसा एकदम अटका हुआ है, नल जल के तो काम आधा अधूरा करवे किया, मतलब वार्ड सदस्य लोग भी सब कांटेक्ट में है उन्हीं के ना? हाँ। सब ना, ये 3-4 बार नहीं है, 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर आई 1। तो ये कामों कहाँ किया है, 4, 5, 6 में काम कहाँ है, आप ही बोल रहे कि जल मीनार तक नहीं है। हाँ, जल मीनार गली नली तक नहीं बना है, गली नली तो एक ही को दिए थे, आधा करके आधा अधूरा छोड़ ले है। गलिया में गए थे कि नहीं? सब गली का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, है ना, नाला बह रहा है, सब कुछ बह रहा है,
पाइप ऐसे ही बाहर फेंकल है, पाइप टूटी गायब है। वही पाइप पाला तो हम रोके हुए मुखिया जी के दरवाजा पर है ना, जान करके छोड़े हुए हैं। वार्ड 5 नंबर के ट्रांसफर करने के लिए थे पैसा नवल किशोर मोची के। चलिए अब हमको कुछ काम करा दीजिए, हम भी चलेंगे, क्योंकि पटना निकलना है, एक इंटरव्यू आपका है, आप सब डिटेल कर दीजिए हमको। हम तो कहेंगे कि यही कि 2-3 बार पर पूर्ण रूप से कार्रवाई। अभी हम आपसे सवाल जवाब करेंगे, आप इसकी जवाब मुझे दीजिएगा और हम आगे लेके जा रहे हैं, बात होगी, प्रयासरत हैं, करेंगे ज़रूर कुछ।